तो हम यहाँ हैं, आज विनायक चतुर्थी है, यहाँ हम किसी भी चीज से चूक नहीं रहे हैं। हम यहाँ टेनेसी में हैं, लेकिन आज विनायक चतुर्थी है तो हम बढ़िया कड़बू बना रहे हैं। बहुत पहले जब हम बच्चे थे तब ये परिवार की रस्म का हिस्सा था कि सिर्फ इस दिन परिवार के सभी पुरुष सदस्य रसोई में जाकर कड़बू बनाते थे। मैं इसके डिजाइन पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं, लेकिन तो इस चावल के आटे से मेरे पिता बहुत बढ़िया चूहा बनाते थे जो गणपति का वाहन होता था। अब आप मुझसे ये मत पूछिएगा कि कोई चूहे की सवारी कैसे कर सकता है, लेकिन उन्होंने सवारी की। जरूरी सिर्फ ये है कि कड़बू का स्वाद अच्छा हो, बस यही मायने रखता है। तो भले ही ये चूहे के आकार का था, हम बस इसे खा लेते थे क्योंकि इसका स्वाद बहुत अच्छा है। ये लीजिए, हम दोनों तरह के बनाएंगे। ये मीठा वाला है, एक बहुत मसाले वाला भी हम बनाते थे। वैसे यहां अभी मसाला नहीं है। ये बन गया, मैं उन्हें इस तरह से चिपका रहा हूं। देखिए, डिजाइन के हिसाब से बिल्कुल बुरा नहीं है। ये अब मीठे से भरे हुए हैं और इसके बाद इन्हें भाप में पकाया जाएगा, तो इसके अंदर वैसे गुड़ है। गुड़ यानी ये खेत में बनाई गई एक तरह की चीनी है, यानी ये कारखाने की प्रक्रिया से नहीं गुजरी है, लेकिन ये गन्ने से बनी है। हम इसे चीनी से भी बना सकते हैं, लेकिन ये गन्ने का गुड़ और चावल का आटा, और हाँ, डिज़ाइन के लिए थोड़ी स्किल चाहिए। और भाप में पकाकर खाइए। ये देखिए, अभी इसे भाप में पकाना पड़ेगा, इसे ऐसे नहीं खाना है। पहले इसे भाप में पकाइए और उसके बाद विनायक चतुर्थी यानी ये गणेश का उत्सव है। गणेश का क्या महत्व है? उन्हें सभी बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद आकर आपकी सभी बाधाओं को दूर करेंगे। गणेश का सिर बड़ा है, ठीक है, उन्होंने उनका छोटा सिर हटाकर बड़ा सिर लगा दिया, तो उन्हें बहुत बुद्धिमान और बहुत ही संतुलित माना जाता है। अगर आप पैनी बुद्धि को बनाए रखें, अपनी बुद्धि को तेज रखें, उस पर काम करें और साथ ही बहुत स्थिर रहें, अगर आप संतुलित हैं और आपकी बुद्धिमत्ता पैनी है, तो जीवन में सभी बाधाएं स्वाभाविक रूप से दूर हो जाएंगी। तो गणेश इसी गुण को दर्शाते हैं। आज का दिन उन्हीं को समर्पित है। वैसे वो उन्हें खाना पसंद है, उनका पेट बड़ा है, मेरे पास उसकी बराबरी की कोई चीज नहीं है। पेट के मामले में मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपकी बुद्धि तेज है और आपकी बुद्धि संतुलित है, तो आपके जीवन में कोई बाधा नहीं होगी। हर बाधा एक संभावना होती है। अभी वायरस और महामारी का समय है, वैसे इसने हमारे जीवन को अस्त व्यस्त किया है, पर इससे हमारा जीवन नष्ट नहीं होना चाहिए। अगर हम अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करें और संतुलन बनाए रखें, तो हम देखेंगे कि यह महामारी की स्थिति एक बड़ा अवसर बन जाएगी। कई समस्याएं हैं, लेकिन आज गणेश उत्सव है। आइए इस बढ़िया मिठाई का आनंद लें। कर्नाटक में इसे कड़बू कहते हैं, तेलुगु और आंध्र प्रदेश में कुडुमु कहते हैं, और तमिल में मोदकम। लेकिन
जब आप इसे खाते हैं तो आपका पेट बड़ा होने की कोई चिंता नहीं होगी। इसका स्वाद ही ऐसा है। उसी चावल के आटे से हमने गणपति भी बनाए हैं। ये देखिए कितने प्यारे हैं ये। क्योंकि बाहर बारिश हो रही है तो बाहर जाकर कुछ नहीं कर सकते, तो खा रहे हैं। Ha 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 ha!